हम लोग हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, तो जब व्यूज बढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है। ये जो स्माइल देख रही हो ना, वही आती है उस टाइम पे। तो ये जो व्यूज मिलते हैं तो बहुत खुशी आती है। तो आपके तो मतलब एक्सपोन, मैं कल देख रहा था एनालिटिक्स देख रहा था, मैम ने दिखाया तो इट वॉज ऑल्सो नॉट एक्सपोनेंशियल, वो ऐसे 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 और सीधा लाइन। Correct. तो ये सीधा लाइन थी। मैं बोला मैम जब वो व्यूज बढ़ रहे थे कैसा लगा, तो मैम जरा शेयर कीजिए वो एक्सपीरियंस आपका। वो एक्चुअली मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया अप्रैल 2022 में, ठीक है। तो लाइक वीडियोस डाल रही थी मैं इतना कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं लॉन्ग वीडियोस डालूं, तो मैंने स्टार्ट किया रील से, मतलब शॉर्ट्स वीडियो से। तो उसमें तो बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस आ गया। फिर लॉन्ग वीडियोस भी हम लोग बना रहे हैं, लेकिन इतने व्यूज नहीं आ रहे। जैसे अगर मैं एंटरटेनमेंट का चैनल देखूं ना, भाई पोस्ट करता है 10 मिनट में 1000 व्यूज, फिर एक घंटे में पूरा, मतलब ऐसे कैसे चला जाता है। यस करेक्ट, मैं अभी भी वो फेस कर रही हूँ कि एजुकेशन में वो इतने सारे व्यूज नहीं जाते लॉन्ग वीडियोस को। जैसे मैंने अगर वीडियो डाला तो आते हैं 1000 व्यूज, मतलब एक दिन भी हो गया तो 1000 व्यूज आएंगे। हमारा एजुकेशन कैसा है कि वहाँ पे है आपको, जब आपको जरूरत है ना, आपकी जब लगी है ना, फटी पड़ी है ना आपकी, तभी आप देखोगे। अगर सर आप इंजीनियरिंग के वीडियोस बनाते हो, तो अभी मैं भी इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं इतने इंटरेस्ट से नहीं देखूंगी जैसे मैं कपिल शर्मा शो देखती हूँ, करेक्ट। लेकिन मेरा एग्जाम है कल और मुझे ये टॉपिक ही नहीं समझ रहा है, तो मैं आती हूँ आपके पास। टोटली रिलेटेबल, यस। तो दैट इज द एजुकेशन है वो वहाँ पे। और मेरे शॉर्ट जो है वो बहुत बढ़िया करने लगे, लेकिन अप्रैल में मैंने जैसे बताया अप्रैल में स्टार्ट किया, फरवरी 21 में स्टार्ट किया था, 22 तक फरवरी 7000 सब्सक्राइबर थे। वो भी मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया था एज एन एजुकेशन फील्ड। मेरा कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था, मुझे कम्युनिकेशन भी नहीं आता है, तो मुझे लग रहा था कि मैं 7000 में बहुत अच्छा कर रही हूँ। और 2 दिन हो गए, मैंने चेक नहीं किया था, और अचानक 2000, 3000, 5000, एक दिन में सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे। 5000 सब्सक्राइबर्स एक दिन में, मैं तो व्यूज समझ रहा था। नहीं, व्यूज नहीं बोल रही हूँ मैं, तो 7000 सब्सक्राइबर के जो 2 दिन मैंने नहीं देखे थे ना, उस दिन वो हो गए 15000 दो दिन में। और ठीक है भाई, 15000 हो गए, हम लोग ने 10K का तो सेलिब्रेशन नहीं किया, चलो 15 का कर लेते हैं। 15 के मॉर्निंग में मैंने देखा और बोला कि शाम को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे भी देखोगे, वो सेलिब्रेशन का वीडियो है 15 के यूट्यूब। और जब हमारा सेलिब्रेशन चालू था ना, तब मेरे हो गए थे 18K, मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग 7 बजे तक 3K भी बढ़ चुके थे। तो भाई वहां पे आ गया कि भाई हम लोग वो बन गए सेलिब्रिटी। तो वो चीजें आती है, तो हम लोग कैसे लेते हैं वो भी है। तो वो जो मैंने बोला 3000, 4000, 5000 बढ़ रहे थे, तो उसके 4-5 दिन में आ गए डायरेक्ट 15000 एक दिन में। सब्सक्राइबर्स बोल रही हूँ मैं, नॉट व्यूज, सब्सक्राइबर्स 15000। तो मतलब मैं बोल रही हूँ कि तीन दिन में मेरे बन गए 50K, 50K, 3 दिन में 7000 to 50000 इन 3 days, इन नेक्स्ट 5 days 50K to 100K। तो लाइक जो कर था ना, ऐसे था, ऐसे ही बोल रही हूँ मैं, ऐसे भी नहीं बोल रही हूँ, पूरा ऐसे जो था ना, और वहां से चला गया डायरेक्ट, सीधा सीधी लाइन ले ली उसने, डायरेक्ट जेल चला गया वो। 100K अभी भाई, मुझे लगा कि भाई 100K भी तो रुकेगा। और हम लोग कैसे होते हैं कि जब मुझे चाहिए कि भाई मेरे 10K तो हो जाए, फिर मैं सेलिब्रेशन करूंगी। फिर 10K होते हैं तो अभी हम लोग 50K हो जाए यार, फिर मैं सेलिब्रेशन करूंगी। फिर 50K तो 100K हो जाए, तो हमारा, हम लोग ह्यूमन से, हमारा कभी मन भरता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 100K हो गए, तो वहां पे ऐसे लग रहा था कि भाई अभी रुकेंगे, जो वायरल हो रहा है कि अभी रुकेंगे, फिर अभी स्टैंड स्टिल चला जाएगा ऐसे। नहीं, 100K 200K इन 10 days, तो 3 days में 50K, 5 days में 100K, देन 200K 10 days में, फिर 300K भी चला गया। फिर 300K से उन्होंने थोड़ा सा, मतलब एक दिन में 2000, फिर वो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे चल गया, और अभी है 520K। जी, अभी बढ़ रहा है, अभी तो बढ़ेगा, अभी और तगड़ा, वेटिंग फॉर 1 मिलियन नाउ। नहीं, वो तो जल्दी हो जाएगा, जिस तरीके से आप रेट बता रही है ना, और इस ये चीजें बताते हुए जो खुशी दिख रही है ना, exactly. वही खुशी वहां पे भी आती है। जी, और जी. जो डिप्रेशन का बोल रहे हो, वो भी फिर उस फेज से भी आपको गुजरना पड़ता है ये चीज देखने के लिए। तो दोनों चीजें आती है, अप डाउन भी आते हैं। बिल्कुल, बट मैम फिर जनता जानना चाहती है कि मैथ्स स्कैम यही नाम क्यों, आप स्कैम कर रही हो? हाँ, जनता जानना चाहती है कि आप कोई स्कैम कर रही है क्या, कुछ फ्रॉडगिरी कर रही है?
ओके तो व्हाई मैथ स्कैम, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मतलब अगर मेरा चैनल सब कमेंट्स देखोगे ना आप, उसमें तो लाखों में वो कमेंट होंगे कि भाई आप स्कैम कर रहे हो. हाँ कर रहे हैं स्कैम, क्यों नहीं करेंगे, सब लोग तो स्कैम ही कर रहे हैं. तो स्कैम पे मैं आती हूँ पहले मैथ्स क्यू. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. जैसे मैंने स्कूल का बताया कि मेरे टीचर्स बहुत बढ़िया मिले थे, तो मुझे पसंद था मैथ्स, लेकिन उनके वजह से यहाँ पे चला गया. तो मेरी स्टोरी ऐसी है कि मतलब मैं थर्ड फोर्थ, और हमारे स्कूल में कैसे होता है कि एक लाइन एग्जाम के टाइम एक लाइन फिफ्थ क्लास की अगर बैठती है तो दूसरी लाइन सेवन्थ क्लास की, एट्थ क्लास की, ऐसे बैठती है. ठीक है, तो अभी हम लोग छोटे होते थे, हमारे बेंचमेंट जो होते एग्जाम के लिए वो बड़े होते थे, सेवन्थ एट्थ स्टैंडर्ड के. जी अगर मैं फोर्थ में हूँ, फिफ्थ में हूँ, मैं उनको आंसर बताती थी पूरा, उनका मैथ्स का पेपर मैं बनाती थी, मतलब लिखती थी खुद का लिख के उनका लिखती थी. इवन मेरा टेंथ स्टैंडर्ड का हमारा जो मैथ्स था 75-75 मार्क्स था, अलजेब्रा 75, ज्योमेट्री 75, तो उसके लिए रहता था 2.5 आवर. तो मुझे कितने में हुआ होगा मेरा पेपर, जो टेंथ बोर्ड का पेपर रहता है, मिनिमम 25 मिनट्स. ओके, जो 2.5 आवर जो टाइम है, 25 मिनट्स में पूरा पेपर खत्म विथ, जो है ना ऐसे होता है ना कि सॉल्व एनी टू, पूरे का पूरा. ओके पूरा का पूरा, तो, मतलब वही, मतलब आप फीमेल रणछोड़ दास थी. हाँ, तो ऐसी भी नहीं था कि जितनी मैं बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई करती थी उतना मैथ्स का कभी नहीं किया. मतलब अगर आप मुझे एक इक्वेशन बता देते हो भाई यहाँ पे गया वो, जैसे हिस्ट्री है तो क्यों वो हुआ सेकेंड वॉर, क्यों ये हुआ, वो सारी चीजें थोड़ा सा दो बार तो पढ़ना पड़ता है. जी तो वो वहाँ पे हुआ मेरा मैथ्स भाई, एक टाइम पे बैठ गया यहाँ पे, फिर मुझे उसकी रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं. और मैं इतना फास्ट थी, मतलब किसी चीज को दिल से चाहो ना पूरी कायनात उसे आपकी आपको मिलाने की कोशिश करती है. जी. तो दैट इज फॉर मैथ्स, तो इसीलिए मैथ्स था. तो फिर भी जब मेरा जॉब गया, मतलब कोविड के इसमें, देन मेरा डिप्रेशन आ गया, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है अभी. जो क्योंकि आई एम नॉट गुड इन टेक्निकल, तो भाई पहले से 3 साल तो गए हैं, मैंने नॉन टेक्निकल में जॉब किया. जी. तो अभी मैं टेक्निकल में भी नहीं जा सकती हूँ. हाँ. फिर भी मैंने तीन कंपनीज में अप्लाई कर दिया. ओके. लेकिन वो तो फायर कर रहे हैं, मुझे हायर कहाँ से करेंगे. ओ, हो, हो, हो. तो उनका तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. अभी क्या, क्यों, क्या करना है, मुझे क्या करना है नहीं समझ में आ रहा था. मतलब अगर मैं सच में बोलूं कि आई एम नॉट अ फीमेल टाइप, कि मतलब आपको रंगोली पसंद है, आपको मेहंदी पसंद है, या फिर आपको कुकिंग भी पसंद है, वो सिर्फ क्यों है, क्योंकि सर्वाइवल है, आपको खाना है इसलिए मैं उतना बना सकती हूँ. सो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जिसमें पढ़ाई की वो तो आता ही नहीं है, कर भी नहीं सकते. तो अभी क्या करें. तो मुझे, मैंने एक सर से मिली जो मेरे मेंटर भी है, तो उनसे मिली, तो बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि क्या कर सकते क्या कर सकते. तो उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा लास्ट में, श्वेता तुला काय आवडतं, श्वेता तुझे क्या पसंद है. तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया, नहीं वो कहीं पे नहीं था उस तब तक, मुझे मैथ्स पसंद है और मुझे मॉडलिंग पसंद है. ओके. तो अगेन मैथ्स ही क्यों दोनों में, तो मॉडलिंग क्यों नहीं. तो मॉडलिंग का टाइम पीरियड मेरे हिसाब से कि वो लिमिटेड है, ताकि सपोज मैं 27 मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे मैथ्स एंड मॉडलिंग पसंद है, तो 27 मैं 35 तक करूंगी. तो फिर बहुत सारी चीजें होते हैं लड़कियों के लाइफ में, अगर बच्चा होता है तो फिर आपका वेट बढ़ जाता है, फैमिली आ जाती है, आप नहीं कर सकते हो. एंड बीइंग एन मराठी फैमिली, आपकी थोड़ी सी कंजर्वेटिव फैमिली होती है, आप क्या पहनोगे कुछ नहीं, वो सारा लिमिटेड हो जाता है वहां पे. तो ठीक है, तो फिर अगर करना होगा तो मैं ऐसे कर लूंगी, लेकिन नॉट फॉर माय रोटी कपड़ा मकान. जी जी जी. एंड हमारे इसमें क्या सिखाया गया है, हमें एज अ मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली, अर्न फॉर रैशन नॉट फॉर पैशन. ओके. अर्न फॉर रैशन नॉट फॉर पैशन, तो मतलब हम लोग पैशन फॉलो ही नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पे अभी मुझे पता चल गया कि भाई जो मेरा राशन कमाने का, जो मेरा इंजीनियरिंग था, अभी तो मेरे काम आने ही नहीं वाला है, क्योंकि कुछ आता ही नहीं है उसमें. अभी फिर क्या रह गया, पैशन. तो पैशन कौन फॉलो करता है, सिर्फ सेलिब्रिटी जो अफोर्ड कर सकते उस चीज के लिए. लेकिन वहां पे फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरे यहाँ पे भी और यहाँ के भी इन लॉज भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है. जैसे अभी मुझे बैंगलोर भी भेजा, तो उन्होंने भेजा कि अकेली लड़की जा रही है, उनकी डॉटर इन लॉ जा रही है, तो नहीं करते उतना सपोर्ट, तो उन्होंने किया वो. तो फिर वहां पे आ गया मैथ्स. तो अभी मैथ्स में भी क्या करूं, मैं ट्यूशन लू
या फिर मैं किसी एकेडमी में ज्वाइन हो जाऊं, या वहां तभी भी यूट्यूब ऑप्शन नहीं था कि क्या करूं। तो फिर बहुत, और फिर एक दिमाग में ये भी चलता है, आप इंजीनियर हो और आप 10th क्लास के बच्चों के ट्यूशन ले रहे हो, मतलब वो आपका स्टेटस, देन ईगो, एंड देन आप क्या काम कर रहे हो वो भी आता है, फिर वहां पे फिर से सोसाइटी आ जाती है। जी, जी, जी। तो फिर थोड़ा सा इसमें करके आ गया यूट्यूब, तो स्टार्ट कर दिया। भाई थोड़ा सा टाइम पास में ही था, क्योंकि मुझे लगा कि कंपनी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं अपना फिर से उसमें चली जाऊंगी ऐसे। तो टाइम पास की कोई कुछ बोलेगा भी नहीं कि तू क्या कर रही है, तो मैं बोल भी सकती हूँ कि हाँ मैं यूट्यूबर हूँ, तब तक ऐसे था। तो फिर स्टार्ट कर दिया, देन फिर नाम की बारी आई कि नाम क्या रखे। तो मुझे ऐसे नहीं रखता था कि श्वेता सोनोने, तो श्वेता सोनोने मतलब क्या है उसमें, वो भी एक स्पेसिफिक होना चाहिए ना कि क्या है उसमें। तो नाम सोच रहे थे, बहुत सारे नाम ट्राई किए, सारे YouTube पे अवेलेबल है। और तभी मुझे पता चला कि मुझे लगता था कि ऐसे कुछ सिखाता भी नहीं है, सिर्फ मुझे लगता था कि एंटरटेनमेंट का ही है वहाँ पे, सिखाने वाले बहुत, हाँ सिखाने वाले है ही नहीं। तो बहुत सारे नाम भी ट्राई कर दिए, अभी सारे नाम है तो इतनी कॉम्पिटिशन भी है। तो अभी नाम नहीं सोच रहा था, क्या करे क्या करे क्या करे, तो लगा दी वेब सीरीज। और मेरे हस्बैंड वो हॉल में बैठे थे, मैं बेडरूम में बैठी थी, लैपटॉप पे मैंने सीरीज लगा दी। मैंने वहाँ से उनको टेक्स्ट किया कि तू माजा लोगो बनो देना रे कि नहीं, तू मेरा लोगो बना देगा या नहीं। तो बोला नाम तो बता कि क्या किसका लोगो बनाना है। और मैंने लगाई थी वेब सीरीज, बटन प्रेस किया था स्कैम 1992। ओके तो मैंने बोला चल कुछ सोचना नहीं, अभी मैथ स्कैम कर दो। तो वहां से आइडिया आया, हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट में स्कैम किया था, हम लोग मैथ्स में स्कैम कर रहे हैं। तो स्कैम का मतलब, बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्कैम मतलब वो कुछ फ्रॉड कर रहा है, तो स्कैम का मतलब एकदम सिंपल मीनिंग है, इजीएस्ट वे आउट। आपको कहीं से कहाँ पे पहुंचने के लिए अगर आप शॉर्टकट ले रहे हो तो उसको हम लोग स्कैम बोलते हैं। जैसे अपने फ्रेंड्स में भी बात कर रहे हो, तू तो क्या स्कैमर है भाई, तूने तो कर लिया। तो वो वाला स्कैम वो मीनिंग है यहाँ पे। कि मैं क्या पढ़ाती हूँ वहां पे, ट्रिक्स ट्रिप्स, वहां पे टेबल्स है, उनके शॉर्टकट्स है आपको, जो आपको नहीं आता है, जो आपके दिमाग में नहीं घुसता है, वही ट्रिक्स मैं आपको वहां पे बता रही हूँ, तो वो आपको आ रहा है। तो दैट इज द स्कैम। सो वहां से वो पूरा मतलब कुछ सोचा नहीं था वहां पे, लेकिन पता है कि हम लोग ये करने वाले हैं, तो दैट इज मैथ स्कैम। और लोगों को इतना अच्छा लगता है वो, मतलब हाफ ऑफ होता है ऐसे, 50% लोगों को लगता है कि भाई ये फ्रॉड ही कर रही है, और 50% लोग उसमें भी है कि मैम नाम तो इतना कैची है ना कि एक बार सुन लिया तो फिर कोई आदमी भूलेगा नहीं उसको। सही बात है। सो मैथ स्कैम हैपेंड। ओके नहीं, बट इसमें मुझे एक बात समझ में आई, वो जो स्कैम का मतलब है, देखिए सोसाइटी ने बता रखा है कि यार जो है ना ये एक रास्ता है, बराबर है, फिर वहां मंजिल है इसी रास्ते पे जाके, तो वो एक हार्ड वर्क का रास्ता हम बोलते हैं। मोस्ट पॉसिबली आजकल सब कन्वर्ट हो रहे हैं टू स्मार्ट वर्क, तो लेकिन फिर आजकल की जो सोसाइटी वो बोलती है स्मार्ट वर्क को, जो है फिर जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, यार ये तो स्कैम है, ये जहाँ पे भी आपको दिखेगा ना ये स्मार्ट वर्क वगैरह ये सब स्कैम होता है, तो आप स्मार्ट वर्क ही बता रहे हैं। और आपने उसको राइटली नाम भी दे दिया, उसको स्कैम भी दे दिया, तो मैथ स्कैम बन गया। अभी हमारे सोसाइटी में कैसा है कि अगर आप पूरा सपोज अभी आप जॉब कर रहे हो, अगर आपने 9 to 5 पूरा जॉब कर दिया ना, तो आप हार्ड वर्कर एम्प्लॉय हो, लेकिन आपने वही काम अगर 2 घंटे में कर दिया एंड बाकी आपका खुद का कुछ कर रहे हो। एक एड भी आई थी आपने अगर देखी होगी, तो वो लोग बोलता है कि भाई तू घर से काम करते हो, तू ये करता है वो करता है, तू कंपनी तुझे उसके लिए थोड़ी पैसा देती है, लेकिन वही बंदा अगर स्मार्ट वर्क करके 2 घंटे में वो काम कंप्लीट कर रहा है, तो हम लोग उसको क्यों नहीं प्रमोट कर सकते हैं। तो क्यों नहीं अभी हमारे सोसाइटी में वो मेंटालिटी चेंज करना बाकी है कि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इज डिफरेंट थिंग। तो वो भी चीज है बिल्कुल, बिकॉज बेसिकली मुझे ऐसा लगता है व्हाट रियली मैटर्स इज द रिजल्ट, ऑब्वियसली है ना रिजल्ट ही। क्योंकि देखिए आपके माँ बाप नहीं देखेंगे कि तू कितना घंटा पढ़ा था, तू 10 घंटा पढ़ा 5 घंटा पढ़ा, तेरे परसेंटेज कितने हैं मेरे को ये बता, दैट इज व्हाट द थिंग मैटर्स। तो फिर स्कूल में वही होता है ना, एक बंदा जो है पूरी रात पढ़ के बैठ के पढ़ाई करता है, एंड देन एक बंदा होता है, मतलब एक बंदा मैं बोलती हूँ, मैं पूरा 10th क्लास बोर्ड वाला होता है हमारा, लेकिन मुझे पसंद था वहाँ तब स्टडी करना। मैं सिर्फ जब मैं 5 बजे घर पे आती थी, 5:15 बजे घर पे आती थी, खाना वगैरह खा के 6 to 7 मैं पढ़ाई करती थी, 7:30 to 7:30 बजे खाना खा के मैं 8 बजे सो जाती थी। वहाँ पे मेरे क्लास की जो लड़कियाँ थी
वो पूरा नाइट पढ़ती थी, मतलब सपोज कल एग्जाम भी है, सपोज इंग्लिश ग्रामर की एग्जाम है जी, वो पूरा रात भर पढ़ाई करेगी, क्योंकि हम लोग मराठी मीडियम है तो इंग्लिश थोड़ा सा उनको डिफिकल्ट जाता था, पूरा रात पढ़ाई करती थी, फिर भी मुझे 200 में से 198-199 मार्क्स मिल रहे हैं, और आप 150 के आसपास भी नहीं हो। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप हार्डवर्क भी करोगे तो, लेकिन वो माइंडफुलनेस से करो, वो माइंडफुलनेस भी आपको चाहिए, आप कितना कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है, मैटर इज आप कितने अच्छे से कर रहे हो। बिल्कुल, 10 सिलेबस 10 चैप्टर है, उसमें से 5 ही करो या फिर 6 ही करो, लेकिन इतने माइंडफुल से करो कि दैट इज द परफेक्ट वन। सही बात है, उससे जिसने पूरे 10 चैप्टर भी किए ना उसको भी आप फाड़ दोगे। बिल्कुल सही बात, तो नहीं, नहीं, वही चीज हमें करनी चाहिए एक्चुअली। ये तो मैं टोटली एग्री करूंगा यार कि तुम देखो यार 10 घंटे मत सड़ाओ अपने, 2 घंटे बैठो, बट ऐसा तोड़ो ना कि जो 10 घंटे बैठ रहा है ना उसको भी तुम पीछे छोड़ दो। करेक्ट, तो ये सही बात आपने कही। एक और मतलब जब बातें कर रहे थे मैडम हम कल, तो एक किस्सा आपने जो है थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस किया था, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी जनता को भी बताइए। आपका जो चैनल है, जितने लोगों की मदद की, इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए वहां पे, वो किसी ने हैक करने की भी कोशिश की थी, इट वॉज ट्राइड लाइक यू नो कि हैक कर लिया जाए, और हैक हो भी गया था, तो जरा वो किस्सा बताइए जरा हमें। जब मेरा चैनल हैक हुआ तो उसका कुछ घंटे पहले जाती हूँ मैं, तो मेरे क्लासेस चालू थे अभी, तो मैं क्लासेस में बिजी हूँ ये वगैरह, एंड एक मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन भी किस टाइप का, जैसे अगर आप अलर्ट आता है ना आपके इसमें नोटिफिकेशन बार में, वैसे अलर्ट था कि आपका यूट्यूब का पासवर्ड चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ तो अलर्ट था। एंड देन मैं पढ़ा रही थी बच्चों को, लेकिन मुझे लगा कि कुछ तो इशू हुआ होगा, तो मैंने वहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, गया सब कुछ, मतलब जीमेल गया, यूट्यूब गया, मेरे हस्बैंड के मोबाइल में भी वो था यूट्यूब, वो भी चला गया भाई, तब मैं हो गई पैनिक, और मैं क्लास भी ऐसी थी, मैं क्लास में थी तो मैं डायरेक्ट क्लास भी नहीं बंद कर सकती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस चालू थे, तो ऑफलाइन होता है तो भी हम लोग कुछ ना कुछ कर लेते, ऑनलाइन क्लासेस चालू है तो अभी क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, मतलब फिर से मैं एकदम पैनिक सिचुएशन में कर रही हूँ, उसमें मैंने फिर से एक गलती कर दी, क्योंकि मैं पैनिक थी, तो वो मैसेज आ जाता है ना कि आर यू लॉगिंग इन फ्रॉम दैट अनदर डिवाइस, तो यहाँ पे नो यस का ऑप्शन आता है, और मैं पैनिक में थी, नो बटन मतलब ये करने के लिए क्लिक करने की बजाय मैंने कर दिया यस, तो बंदे ने मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, ईमेल चेंज कर दिया, मतलब मैं अभी रिट्रीव ही नहीं कर सकती, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो फिर मतलब इतना पैनिक, क्योंकि उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर से 325,000, ओके, तो अभी मैं फिर से मेहनत करके, मुझे नहीं पता है कि अभी उस टाइम पे भी इतनी इंक्रीज हो गए या नहीं हो गए, या फिर इतना भी ऐसा नहीं है कि भाई सपोज अमिताभ बच्चन है, उसका ठीक है वो चला गया, उसने फिर से बनाया तो उसके डायरेक्टली उस स्टेज पे जाएंगे, हम लोग इतना एजुकेशन इतना भी नहीं है, तो इतना पैनिक सिचुएशन था, इतना था, तो सिक्योरिटी सॉरी साइबर एक्सपर्ट से मिली मैं, तो उन्होंने कुछ टिप्स बताए, तो फिर से ट्राई किया मैंने सुबह उठ के मॉर्निंग में, तो 2-3 दिन यही चल रहा था, वो इवनिंग में हैक करता था, मैं मॉर्निंग में रिट्रीव करती थी। ओके, तो बाय गॉड ग्रेस उसने वहां पे कुछ किया नहीं, मतलब मैं कोई वीडियो को कुछ हुआ नहीं, डिलीट मतलब वगैरह कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था उसका इंटेंशन क्या था, मुझे पैनिक करना था या फिर दूसरा कुछ था, लेकिन उसने कुछ किया नहीं, दैट इज माय लाइक साई बाबा वाज देयर फॉर मी, तो वो हुआ, फिर मैंने कंप्लेंट भी कर दिया उसका एक्चुअल, फिर उसके बाद मैंने साइबर एक्सपर्ट पूरा जाके सब कुछ उसका जो भी था वो सब कुछ निकाल दिया, एंड अभी इट्स नाउ इन योर हैंड्स, हाँ मेरे हाथ में है। तो एक चीज मुझे वो साइबर मतलब मैं जहाँ पे कंप्लेंट करने गई थी ना साइबर पुलिस, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम जैसे होता है ना हमारा एक ही फोन है एज एन यूट्यूबर आपका है, मेरे पास कैमरा भी नहीं है अभी तक, मैं सब कुछ फोन में ही करती हूँ, तो हमारा क्या होता है कि सब कुछ उसमें ही है, मेरा पर्सनल भी उसमें ही है, मेरे बैंक अकाउंट भी उसमें ही है, मेरा यूट्यूब भी उसमें ही है, मैं वीडियो भी उसमें ही बनाती हूँ, सब कुछ उसमें ही है। तो वो वाले जो पुलिस थे उन्होंने मुझे बताया मैम आप आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ अलग रखो जी, अगर जी। आप जॉब कर रहे होते तो आपका 9 to 5 वहां के वहां छोड़ के आते हो, फिर घर पे आके आपकी अलग लाइफ होती है, लेकिन आप यूट्यूबर हो, आप डिजिटल सब कुछ करते हो, तो आपकी लाइफ अलग है ही नहीं जी। पूरा टाइम आप वही कर रहे हो जी। तो वो अलग कर दो। तो ये मैं सबको ही बताना चाहती हूँ, नॉट फॉर ओनली यूट्यूबर, कि अगर आप किसी भी चीज में हो ना तो उस चीज को वहीं पे छोड़ के आओ, अगर आप जॉब कर रहे हो किसी बिजनेस में हो, आपका फैमिली टाइम अलग होना चाहिए, वो वाला अलग होना चाहिए। तो मैंने वो किया,
तो नाउ आई एम सेफ। जी जी जी, नहीं ये बहुत ही सही उन्होंने चीज़ बताई, मैं भी पर्सनली ये चीज़ फॉलो करता हूँ। लोग बोलते हैं यार क्या शौक है तेरा, दो दो फोन रखता है। भैया नहीं, सेफ्टी की बात है, सेफ्टी की तो बात, इसीलिए दो दो फोन जो है अलग रखते हैं। लोग पूछते कि तुम्हें दोन फोन कैसे हैंडल करता, तो हैंडल करने की बात नहीं है भाई, इतने कमाए हैं मैंने और उसको मैं ऐसे ही खो नहीं सकता क्योंकि सिर्फ मेरी एक क्लिक की वजह से या फिर मेरी एक गलती की वजह से। एग्जैक्टली, ये गलती जो है कई बार बहुत भारी पड़ती है। अभी तो हमें खुद को ही उसका रक्षा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है, हम ही क्रिएटर है, हम ही रक्षक है, हम ही सब कुछ है, हम ही एक तरीके से सोलोप्रेनर कह सकते हैं हम एक यूट्यूबर। आपने सोलोप्रेनर बोला तो मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, मैम आपकी लाइटिंग कैसी है, आप कितने लोग हो टीम में, आपने स्टार्ट कहाँ से किया। तो भाई पूरे इसमें मेरा सोलोप्रेनर मैं अकेली हूँ, ओके, तो सब कुछ मैं ही करती हूँ। शूटिंग कैसे करना है, कैमरा ट्राइपॉड कहाँ पे एडजस्ट करना है, आपका फ्रेम कैसा आना चाहिए, तो वहाँ पे सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो ये भी एक पॉइंट हमारे में मिलता है मैम कि जब भी अगर रिकॉर्डिंग भी करनी है सो मैं ही सब कुछ मतलब एक तरीके से कर रहा हूँ। आज जब भी पॉडकास्ट वगैरह हम कर रहे हैं तो इसमें हमें सपोर्ट टीम और लोगों की जरूरत पड़ती है। वो एक्चुअली है, आपको कम्युनिटी में काम करना भी आना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि मुझे सब कुछ अकेले करना है, अभी जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गया तो मुझे चाहिए अभी कोई मेरे हेल्प के लिए, अभी मुझे कम्युनिटी में भी काम करना है, यूनिटी में भी काम करना है। तो वो भी है कि ऐसा भी नहीं है कि सोलोप्रेनर मतलब सब कुछ आप ही करो, अभी आप लोग हायर करो जो आपसे ज्यादा स्मार्ट है, आपसे ज्यादा अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो मैम फिर मेरा एक्चुअली अगला सवाल है, और वो जो सवाल है उसमें गाना है, मतलब जो मेरा फेवरेट है वो एक गाना है, दिल गलती कर बैठा है। वो करता रहता है गलती, मिस्टेक्स होती रहती है लाइफ में, हर एक से होती रहती है, आदमी ह्यूमन से। हाँ तो उनसे गलतियां हो जाती है, टू मेक मिस्टेक्स, या बट अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा दो पहलू कि गलती हो ना इसके लिए क्या किया जा सकता है, और अगर गलती हो गई तो उसके बाद कैसे वो रायता जो फैल गया है उसको समेटा जा सकता है। तो मुझे एक पहला मुझे एक कोट बोलना है, मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ा है, ग्रीन लाइट्स, मैथ्यू उसके राइटर है जी, उन्होंने बहुत अच्छे से बोला है, इन द आर्ट ऑफ लाइफ, इन द आर्ट ऑफ लाइफ आई हैवंट स्कोर्ड ऑल एज बट आई वुड रादर एक्सपीरियंस्ड सीज रादर देन द इग्नोरेंट ए। ओके, सो मुझे ये चीज इतनी पावरफुल लगी कि ऐसा नहीं है कि आपको सारे इसमें टॉपर ही बनना है, सारे इसमें आपको ए ही लाना है, अगर कोई ए आपका उसमें कुछ ना करने वाला है ना, तो अभी उस टाइम पे आपको सी भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो लाइक अप डाउन वहां पे भी यही चीज आती है। तो मिस्टेक अगर मेरे लाइफ में देखे तो सपोज मिस्टेक, अभी मैं क्या बोलूंगी कि मैं ब्लेम किसको करती हूँ, तो एक जो बॉयफ्रेंड वाला एंगल था कि वहाँ पे अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करती, मैं उस इसमें नहीं जाती तो सपोज ये हो सकता था, या फिर अगर मैं उसके साथ ब्रेकअप नहीं करती, आज वो अच्छे मुकाम पे है तो कुछ अच्छा हो सकता है, सपोज मैं इसको मिस्टेक बोल सकती हूँ। या फिर कोई मिस्टेक है कि लाइक मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो सारी मिस्टेक्स हो गई। बहुत सारे लोगों बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, सपोज ऐसा होता है कि ये अपॉर्चुनिटी है जी, तो वो अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी सपोज, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला था, लेकिन जो अपने ये जवानी है दीवानी में भी उसने डायलॉग बोला है कि बनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटने वाला ही है, तो जो है उसका मजा लो ना। Exactly. तो बहुत सारे मिस्टेक हम लोग करते हैं, फिर उसका रिग्रेट करने बैठते हैं कि भाई अगर ये चीज हुई होती ना तो आज मैं यहाँ नहीं होती, यहाँ होती। तो सपोज मैं बोल कि आज मैं जर्मनी में होती, तो वो सब बोलने की बात है, सच में क्या हुआ है जो मैं अभी जी रही हूँ। कनेक्ट योर डॉट्स फ्रॉम बैकवर्ड नॉट फॉरवर्ड, आप वो पीछे जब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये डॉट कनेक्ट होते हुए, कनेक्टेड है, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। करेक्ट, तो अभी अगर सपोज मेरे अपने लाइफ का करो कि मेरी फैमिली रिस्ट्रिक्ट थी, मैंने कॉमर्स ना लिखे, मैंने साइंस लिया, अगर मैं सीए बन जाती तो मैं कहीं पे थी, आज यहाँ पे नहीं थी, आज किसी को पता नहीं होता हु इज श्वेता सोनावने। जी जी, करेक्ट। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग में ड्रॉप लगा, फिर मुझे टेक्निकल में काम नहीं करना था, फिर मैं क्लारा हेल्थ नेशन में चली गई, फिर वहां पे कोविड भी आया, तो बहुत सारे लोग उसको भी ये करते, लेकिन बहुत सारे लोगों का कोविड में भी बहुत बिजनेस बढ़ा है, वो तो है। तो वो सारी चीजें मेरी लाइफ में आई तो मैं आज यहाँ पे हूँ, अगर मैंने इंजीनियरिंग अच्छा कर लिया होता तो आज मैं कहीं पे
किसी अच्छे TCS इंफोसिस में कहीं पे अच्छे पोस्ट पे जॉब पे होती, लाख दो लाख रुपए कमाती होती, लेकिन किसी को नहीं पता हुआ है. जी 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 जी. तो आज मैं आपके सामने हूँ बिकॉज आई एम कनेक्टिंग ऑल दोज डॉट्स एंड बिकॉज ऑल दोज थिंग्स हैपन टू मी. अगर वो चीजें नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आप यहाँ नहीं होते, ये सर यहाँ पे नहीं होता और आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते. बिल्कुल. सपोज किसी ने मिस्टेक से लगाया होगा ये वीडियो, लेकिन आपको ये वैल्यू वहां पे मिलेगी भाई. तो मिस्टेक सब लोग करते हैं, हम लोग ह्यूमन से वी आर मेन टू बी मेक मिस्टेक्स. हम लोग कोई भगवान नहीं है कि सारी चीजें परफेक्ट ही करेंगे. बिल्कुल. तो एक्सेप्ट करो एंड नहीं, सही बात. देखिए, आप अपने अचीवमेंट्स को एक्सेप्ट करते हो ना, उसका ढिंडोरा पीटते हो एक तरीके से, तो फेलियर्स का या मिस्टेक्स का ढिंडोरा मत पीटो, बट एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करो एंड लर्न टू सेलिब्रेट फेलियर्स. तो मेरा जब भी होता है, हम लोग क्लारा एल्टोनेशन में थे, तो सपोज एक मीटिंग नहीं हुई जो हमारा इम्पोर्टेंट क्लाइंट था, अभी आज नहीं हुआ, हम लोग उस रात उसको सेलिब्रेट करते थे, उसको वहीं पे छोड़ देते. आपका कंप्लीशन आपको होना बहुत जरूरी है. अगर आपका कंप्लीशन नहीं है तो फिर आप उसी चीज में अटके रहोगे. सपोज ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. आज मेरा सपोज गोल था कि मुझे 1 मिलियन चाहिए, तो अभी नहीं हुए, तो मेरे 5 लाख तो है ना. जो चीज मेरे पास है उसको हम लोग क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते. तो लर्न टू सेलिब्रेट फेलियर्स. और मेरा एक लाइफ का एक्सपीरियंस, कोई भी चीज़ है आपके रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो, या फिर फैमिली में या फिर आपके करियर में, कि आपको ऐसे लगता है कि भाई अभी बंद करना है ये सब कुछ, तो वो सिर्फ जो चीज़ें होती ना, वो दो तीन तीन दिन, एक वीक या फिर एक महीना चलेगी, फिर उसके बाद कोई उसको याद भी नहीं रखेगा. मैंने कोई मिस्टेक की है तो लोग आज मुझे तो कमेंट्स में गालियाँ देंगे, लेकिन दो दिन बाद अगर मैंने अच्छा कुछ किया ना तो उस पे चले जाएंगे, फिर मिस्टेक पे चले जाएंगे, फिर उस पे चले जाएंगे. तो कोई आपको याद नहीं रखता है उस चीज के लिए. तो आपको मूव ऑन करना है. सही बात है. तो अभी जब मूव ऑन पे हम आते हैं, जो अपने रिलेशनशिप यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो एक आखिरी सवाल जो मेरी तरफ से आपके लिए इस पॉडकास्ट में रहेगा, वो ये है कि लड़की आखिर चाहती क्या है, व्हाट दे रियली वांट. ये सवाल जो है इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और विशाल सवाल है कि चाहते क्या हो तुम, बच्चे की जान लोगे क्या. तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एज लाइक फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, या फिर जनरलाइज्ड भी अगर आप कुछ बातें बताना चाहें, कि एक्चुअल में एक लड़की या गर्ल जो है वो अपने पार्टनर में क्या तलाश कर रही होती है. तो इसका जवाब मैं एज अ गर्ल होके मैं भी खुद नहीं दे सकती हूँ, लेकिन परफेक्ट उसका आंसर है ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है. जैसे अगर हम लोग बोलते कि बॉयज अलग होते हैं तो गर्ल्स भी अलग होती है, हर किसी का देखने का तरीका अलग होता है. लेकिन मेरे हिसाब से जो लड़कियों को चाहिए एज इन रिलेशनशिप ऑल्सो और इन मतलब अगर आपका शादी हो गया मैरिजेस में भी, तो सिर्फ मुझे लगता है कि पैसों से ज़्यादा उनको प्यार चाहिए होता है सबसे ज़्यादा. क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ द हमारे इंडिया की सोसाइटी, मोस्ट ऑफ द वुमेन्स आर हाउसवाइफ. तो आपको आप घर में सब कुछ काम करते हो, मोर देन जो आपके पति आपके पूरे जॉब में करते हैं या फिर किसी बिजनेस में करते हैं. लेकिन वो 9 to 5 जॉब करके आएगा और फिर आपको बोलेगा कि भाई बहुत थका हूं. उसको नहीं पूछा कि आज तू इतना काम किया, जिसके बच्चे भी है वो पूरा बच्चों का भी करती है. बिल्कुल. तो उनको भी अप्रिसिएशन मिलना चाहिए. वो मतलब बहुत कम लोग करते हैं, मतलब अभी तो सोसाइटी चेंज हो रही है तो करते भी है बहुत सारे लोग. जो वर्किंग वुमन है वो काम करके भी आती है, फिर घर का भी संभालती है. एग्जैक्टली. तो उनको मुझे कहीं पे लगता है उनको प्यार चाहिए, उनको अप्रिसिएशन चाहिए. अगर आप वो दे रहे हो ना, तो उनसे बढ़िया कोई नहीं है. आपका सपोर्टर बोलो या फिर आपके लाइफ में सिर्फ वही एक लड़की है या फिर वो बंदी है कि वो आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगी. जैसे बोलते हैं ना कि हर आदमी के पीछे एक औरत होती है, तो वो तो मोस्टली सब होंगे ही, लेकिन अगर आप ये दोगे ना तो वो स्ट्रांगली आपके लिए वहीं पे खड़ी रहेगी. सही बात है. तो यहाँ पे एक चीज अपन जो है समझ सकते हैं लौंडे लपाड़े लोग, कि यार देखो अप्रिशिएट करना एक्चुअल में जरूरी है और फ्री है वो, उसके लिए पैसा नहीं लगता है. प्यार और एप्रिसिएशन फ्री है एक्चुअली ना, उसके लिए पैसा लग ही नहीं रहा है. लेकिन तो जो इम्पोर्टेंट ईगो आ जाता है बीच में, मतलब आदमी लोगों का, या फिर कुछ औरतें भी होती है जो अपने पतियों को नहीं अप्रिसिएट करती है. क्यों नहीं करती है? सिर्फ आपका ईगो आ जाता है कि मैं उससे ज्यादा अर्न करता हूँ या फिर वो मुझसे ज्यादा अर्न करती है या फिर कोई और चीजें होंगी अगर आपके कुछ डिस्प्यूट वगैरह है तो. लेकिन थोड़ा सा ईगो को साइड में रखो, आपका इंटेंशन थोड़ा सा प्योर करो एंड कौन आप उन दोनों आप
खुद के लिए हो, एक दूसरे के लिए हो, थोड़ा सा करो ना यार। सही बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अगर ईगो है, ठीक है ईगो सब में होता है, बट अगर आप किसी अपने पार्टनर के लिए अगर आप ईगो साइड नहीं रख पा रहे हो ना, देन यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस और यू आर विद अ रॉन्ग पार्टनर। करेक्ट, एग्जैक्टली, मुझे तो फिर आपको वहां से निकलना चाहिए। क्योंकि ईगो जो एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है अपने फैमिली वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और रिलेटिव तो मैं खैर उनको गिनूंगा नहीं, बट जो आपके बहुत नजदीक है, जो कि मैक्सिमम टाइम आप उनके साथ रहते हो, तो उनके साथ ईगो पालने की मुझे ऐसा नहीं लगता कोई जरूरत है। अगर आप साइड नहीं रख सकते यार, तो फिर आई थिंक यू शुड। मुझे इसमें एक सर चीज ऐड करनी है, आपने जैसे बोला कि मैं रिलेटिव को गिनता नहीं हो, मतलब मेरा भी रिलेटिव के साथ इतना कोई ऐसा अच्छा वाला संबंध नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं है ना, अगर उन्होंने शर्मा जी का बेटा नहीं निकाला होता ना, तो आज हम लोग इस पे नहीं होते। मतलब अगर वो कंपेयर नहीं करते या फिर वो ताने नहीं मारते ना, तो हम लोग नहीं बढ़ते, क्योंकि हमारा नेचर ऐसा होता है ना कि हम लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अगर उसने कुछ बोला ना, तो फिर हम लोग उस पे जान पे लेते हैं, एंड देन हम लोग फिर चढ़ जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों का ये होता है, तो वो होना भी इम्पोर्टेंट है। एक कहीं पे मैंने ये कोट पढ़ा था कि हेटर्स है मेरे लाइफ में, इसीलिए मैं उनको लाइक सच में थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो है, इसलिए मेरा नाम निकल रहा है। अगर आप मेरा चैनल देखोगे, सपोज मेरा वीडियो देखोगे, आप दो दिन में भूल जाओगे या फिर वीडियो देख के ही भूल जाओगे, लेकिन हेटर्स है ना, वो आपका नाम निकाल रहे हैं ना, वही आप फेमस हो रहे हो। exactly. वो होना भी आपकी लाइफ में जरूरी है। एग्जैक्टली नहीं, मतलब मेरे साथ तो ऐसा रिलेटिव का कोई ऐसा नहीं रहा है सीन, मेरे रिलेटिव भी काफी प्यारे हैं, काफी अच्छे हैं, ऐसा तो कुछ ये, नहीं है। ये यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहती हूँ, ऐसे मैं भी नहीं बोल रही हूँ कि मेरे रिलेटिव्स गंदे हैं या फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। हाँ. मतलब एक जो सबके साथ होता है, मैं उसको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ। जी, एक जनरलाइज चीजें होती हैं। हाँ। देयर आर थिंग्स एंड ऐसा हुआ है, मतलब बहुतों ने ग्रो किया है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। करेक्ट, ऐसी चीजें हैं, होती हैं। तो अब बहुत सारे सवाल मैम मैंने आपसे पूछ लिए, बट एक लास्ट सेगमेंट जो हम इस पॉडकास्ट का रखते हैं वो ये है कि आपके दिमाग में अगर कुछ ऐसे सवाल है, मतलब ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन अगर ऐसा है कि यार इसने मेरे से तो बहुत सवाल पूछ लिए लेकिन इससे मुझे कुछ जानना है, तो ऐसे कुछ सवाल अगर आपके हैं तो आई एम ओपन टू इट। तो सर तो बहुत ओपन बुक है आई गेस। सर की शादी भी नहीं हुए तो क्या पूछे उनसे। लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि अभी आप जॉब भी करते हो, आप यूट्यूबर भी हो, आप फैमिली से अलग भी रहते हो, अकेले रहते हो बैंगलोर में, यू आर फ्रॉम पुणे राइट? जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, तो आप मतलब आप सब कैसे मैनेज करते हो, और जो भी लोग हैं, क्योंकि अभी जैसे मैं बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं लेकिन हम लोगों ने इतनी लायबिलिटीज लेके रखे हैं ना, घर लिया है, गाड़ी लेके रखी है, तो पूरा लोन में ही चला जाता है, तो पैसिव इनकम भी जरूरी है। बिल्कुल, तो आप जैसे जॉब और YouTube, तो दोनों से भी इनकम आ रहा होगा आपका, तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हो? तो दैट इज माय क्वेश्चन, कि मतलब हाउ आई एम बेसिकली मैनेजिंग माय वर्क। करेक्ट, ऑल टुगेदर ना। तो एक्चुअली ये मेरे से पहली बार किसी ने पूछा है कि यार तुम कैसे संभाल ले रहे हो, इतने सारे काम कर रहे हो। तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक दो चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो है कि आपका उस काम के प्रति कितना प्यार है, और दूसरा आपकी जिम्मेदारी। तो प्यार और रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ आ जाती है तो आप कर ही लेते हो, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज सी, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो यहाँ पे जब मैं आईन्यूरॉन में ज्वाइन हुआ था, तो मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पे ज्वाइन हुआ था, बट टू बी फ्रैंक मुझे उस काम से बिल्कुल प्यार नहीं था। मैंने एक महीना किया, मुझे नहीं पसंद आया, टू बी फ्रैंक। मैंने हमारे जो CEO साहब है, मैंने उनको कहा नहीं जम रहा, तो वो उनका दिल भी इतना बड़ा है, उन्होंने कहा आप क्या करना चाहते हैं? तो बोला इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मुझे करना है, आई रियली वॉन्ट टू डू इट, बिकॉज मुझे मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मैं बोला यार इस फील्ड को हम एक्सप्लोर करते हैं। उन्होंने मुझे पूरा फ्रीडम दिया, एंड आई एम रियली एन्जॉइंग दिस जर्नी ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नाउ। तो ये प्यार तो हो गया, ओके। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है यूट्यूब साइड पर, कि जब आपके साथ इतनी बड़ी कम्युनिटी जुड़ी, इतने सारे लोग जुड़े हैं, तो यू फील रिस्पॉन्सिबल कि आपको डिलीवर करना है, वो चीज़ें उन तक पहुँचानी है, वो भी करेक्ट एंड प्रिसाइज फॉर्म में, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ देयर टाइम। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास आ जाती है, और साथ ही साथ जॉब की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। तो जब प्यार और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं मिल जाते हैं, तो फिर आप कुछ भी करके कर लेते हो। मतलब मैं अगर आपको बताऊं, तो देखिए मुझे पॉडकास्ट करने में इतना प्यार है, इतना अच्छा लगता है, कि लिटरली ऐसे एक हाथ पॉडकास्ट थे जहां पे गेस्ट ने मुझे रात के 2 बजे कॉल किया। हाँ। ये मैं एक्चुअल इवेंट बता रहा हूँ, रात के 2 बजे मुझे कॉल किया, आई एम रेडी फॉर द पॉडकास्ट। और वो वर्चुअली नहीं, फिजिकली। आपको सारा सेटअप करना पड़ेगा, कैमरा, माइक, एवरीथिंग।
मैं बोला, मैं ज्यादा सोचा नहीं, एक दो सेकंड तक मैंने, क्योंकि नींद में था ना, मैं 9 बजे सोता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, तो फिर मैं जैसे ही 2 बजे मुझे कॉल रिसीव हुआ, मैं पहले तो एनालाइज किया कि बात कौन कर रहा है, एंड जब वो उन्होंने बात की वो उस चीज़ की, बोला ठीक है सर करते हैं, बोला करते हैं आइए करते हैं, आप रेडी तो हम रेडी, या इस बार मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप रेडी हो तो हम रेडी, आप कंफर्टेबल तो हम कंफर्टेबल। मैं गया, मैंने पॉडकास्ट किया, लिटरली कई ऐसे तो बहुत सारे पॉडकास्ट हुए जो मैंने संडे को भी किए, मैं बोला जान दे भाई संडे अपन करते हैं। तो यही चीज़ मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हो और अगर आपके आप लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, तो वो दिन कुछ भी हो सकता है, टाइम कुछ भी हो सकता है, आप उसमें एफर्ट डालोगे, उस काम को कंप्लीट करोगे, दैट इज़ फॉर श्योर। बस ये दो चीज़ें यार, इनका मिलाप अगर हो गया ना तो ही वो कमाल होता है, चमत्कार होता है। यही एक बात है कि अगर आप पैशन को फॉलो करते हो ना, तो वहाँ पे सुनामी आ जाए या फिर क्या आ जाए, हम लोग उस चीज को नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है। और देखिए आज भी मतलब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, ये हमने ये प्यार ही है कि यार थोड़ा अलग अलग करके देखते हैं। आज जो है थोड़ा सा अलग माहौल में बैठे, पहले हम लोग स्टूडियो में फ्लोर में बैठते थे, आज थोड़ा अलग है। तो मैम कैसा लगा, मतलब ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा वैसे? नहीं सच में ये कंसेप्ट ही बहुत बढ़िया लगे मुझे, क्योंकि मतलब हम लोग कैसे करते सेलिब्रिटीज का पढ़ते, उनकी जर्नी क्या है, तो मोस्ट ऑफ द जैसे नेपोटिज्म का अभी बहुत ज्यादा आया था, मुझे वो उठाना नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके पास है ऑलरेडी एंड देन वो वहां से वहां जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि उनके पास मतलब पाथ ही नहीं है कि कहाँ पे जाना है या क्या करना है। तो ऐसे कॉमन लोग जो है उनसे हम लोग आप बातें करते हो और उनसे ऐसी कोई चीज उनको अगर मिल जाए ना, तो भाई वो मेंटोर की तरह काम करेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही बात है। सो ये मतलब इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों को, किसी को लगता होगा कि भाई ये बंदी है यूट्यूबर है ठीक है उससे क्या मिलेगा आपको, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि भाई मुझसे बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, मतलब आई एम नॉट अ परफेक्ट वन, कोई भी कोई नहीं होता है, लेकिन अगर एक चीज भी आपको मिली ना तो वहां पे आप रॉक कर जाओगे। मेरा ये मोटिव ही यही है मैम, देखिए पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप एक व्यक्ति थे, एक माइंडसेट थे, एक थॉट प्रोसेस थी आपकी। पॉडकास्ट खत्म होने के बाद अगर किसी एक पर्सन में भी कुछ पॉजिटिव चेंज आता है, वो भी 1% से भी कम भी आता है, तो भी मुझे लगता है पॉडकास्ट सफल है। इसीलिए मैं इनिशियली अभी व्यूज के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, सब्सक्राइबर के ऊपर, बिकॉज आई नो कि मैं जब आपके साथ बैठा हूँ, आपने मेरे साथ बातें शेयर की, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो जब मेरे जैसा जाहिल आदमी इतना सब कुछ सीख सकता है, तो आप जैसे इतने इंटेलेक्चुअल लोग जो वहाँ पे बैठे हैं वो तो सीखेंगे, समझेंगे, अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट लाएंगे, एंड दैट्स हाउ द प्रोसेस इज ऑल अबाउट इन दिस पॉडकास्ट। एंड आई होप मैम आपने इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया, yes, अच्छा लगा। आपने मुझे सिर्फ एक चीज ऐड करनी है, आपने ये चीज बोली ना, मैं व्यूज पे ध्यान नहीं देता, मैं सब्सक्राइबर पे ध्यान नहीं देता, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अगर आप रिजल्ट पे फोकस करोगे ना, या फिर अगर मैंने यूट्यूब इसलिए चालू किया होता कि मुझे 1 मिलियन के पास जाना है या फिर 5 मिलियन लोगों के पास मुझे पहुंचना है, तो और कुछ लोगों का सपोज ऐसा होता है कि मुझे YouTube से बहुत अच्छा इनकम मिलेगा इसलिए मैं YouTube स्टार्ट कर रहा हूं, अगर आपका वो इंटेंशन है ना तो फिर नहीं होगा, फिर आप पैसों के लिए पैसों के पीछे भागोगे। आपका जो इंटेंशन है, आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि मनी का इंटेंशन आपका बैड है, बट वो सेकेंडरी होना चाहिए। सेकेंडरी होना चाहिए, आपका जो इंटेंशन है ना, आप क्यों कर रहे हो, आपका पैशन है, कोई भी चीज कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, आपका उस चीज करने का इंटेंशन जो है वो प्योर होना चाहिए। तो दैट इज द वन थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर। बिल्कुल नहीं मैम, आपने बहुत तगड़ी बात जाते जाते कह दी, और इस बात से ज्यादा हम क्या ही कह सकते हैं। जाते जाते मुझे सिर्फ एक ही बोलना है, अभी तो इस बांझ की उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है समुन्दर को, अभी पूरा आसमान बाकी है। क्या बात है मैम, क्या ही लाइक इससे ये एंड स्टेटमेंट जो हमारे पॉडकास्ट का यहाँ पे हम लेके जा रहे हैं। एंड दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए, इस पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, है फ्री है, मुफ्त है। तो मैम प्लीज सब्सक्राइब टू 5 मिनट इंजीनियरिंग पॉडकास्ट। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, कर रहे हैं कि आपको इससे कुछ वैल्यू मिले, तो प्लीज डू सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट मैम फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।